पूर्णिया मनमोहन की कांग्रेस की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपया दिया था। 10 साल में 80,000 करोड़ कितना दिया था? जोर से बोलो कितना? मोदी जी ने 80,000। नरेंद्र बढ़ाकर 9 साल में 3,12,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को देने का काम। भारतीय जनता पार्टी ने ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 1200 बैंक शाखाएं खोली, 5000 डाकघर बैंक खोले, 2300 मोबाइल टावर लगाए, 3400 करोड़ की रोड की योजनाएं लाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की 10,000 करोड़ की योजना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसके साथ साथ कांग्रेस का शासन था, नक्सलवाद आगे बढ़ता था, भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। माताओं भाइयों बहनों, ये क्षेत्र बस्तर का हमारा आदिवासी भाइयों बहनों से भरा हुआ है। कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं किया, सिर्फ वोट लिए, वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। आजादी के बाद पहली बार ये ओडिशा के संथाल परगना की गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाकर भगवान बिरसा मुंडा को अमर कर देने का काम नरेंद्र मोदी की। 23 अलग अलग जनजातियों को एसटी की सूची में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी कल्याण का बजट जो 10 साल में कांग्रेस सिर्फ 30,000 करोड़ छोड़ कर गई थी, 30,000 करोड़ के बजट को 1,30,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। 740 नए एकलव्य विद्यालय बनाए, 40,000 शिक्षकों की भर्ती की, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया और 2047 तक पूरे देश में एक भी सिकल सेल एनीमिया का दर्दी न रहे, इस प्रकार के मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। नरेंद्र मोदी यहां पर हमारी रमन सिंह जी की सरकार थी। रमन सिंह जी की सरकार ने 3 दुना रात 4 गुना प्रगति की थी। तेंदुपत्ता का भाव दिया, गरीब आदिवासी बहनों को चरण पादुकाएं दी। रमन सिंह जी ने पहली बार पीडीएस को नीचे तक पहुंचाया, धर्मांतरण को रोकने का काम किया। और ये छत्तीसगढ़ सरकार जब कांग्रेस की बनी, तेंदुपत्ता वालों को सबसे कम मुआवजा अगर कभी मिला तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की बनी तब। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये लूट करने वाली कांग्रेस सरकार को फिर से
वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ की लूट करने देंगे क्या? छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को रुकने देंगे क्या? धर्म परिवर्तन करने देंगे क्या? नक्सलवाद को बढ़ने देंगे क्या? अरे सब रोकना है तो एक ही रास्ता है, मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए, यही एक रास्ता बचता है। मैं तो भाई आज राम के नैनीहाल में आया हूं। भगवान श्री राम, छत्तीसगढ़ उनका नैनीहाल है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इतने सालों तक कांग्रेस ने रोक रखा। इस बार छत्तीसगढ़ में तीन दिवालियां मनने वाली है। तीन दिवाली, मैं बताऊं कैसे तीन दिवाली मनेगी? एक तो दीपावली के दिन फटाके जलाकर दीपावली मनाएंगे। मनाएंगे ना? जोर से बोलो, मनाएंगे ना? 3 दिसंबर को भाजपा सरकार होगी, फिर से दीपावली मनाएंगे। मनाएंगे ना? और जनवरी में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, फिर से हम दीपावली मनाएंगे। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना। ये लूट खसोट वाली भूपेश बघेल सरकार उखाड़ कर फेंक देनी और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अटल जी ने, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया था और अब फिर से छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने का काम आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती। मुझे बताइए बहन लता जी, आ गई बहन लता, उसेंडी को जिताएंगे क्या? अरे जोर से माता हो तो जोर से बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ये नीलकंठ को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? फिर से एक बार खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएंगे? तो मित्रों, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार कमल फूल की सरकार बनाइए। हमारे दोनों प्रत्याशी लता बहन उसेंडी और नीलकंठ दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताकर आपका आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी सब बैठेंगे, रैली के रूप में भी यहां से जाएंगे।